से आज बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, नहीं भी आ पाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सबको ना मिलकर एक लड़ाई लड़नी है। हमें 1857 की क्रांति की तरह बंटना नहीं है। आज लड़कियाँ भी बहुत सी आई हुई थी तो हमने ना प्यारे बच्चों फीमेल कॉन्स्टेबल का जो मुद्दा नॉर्मलाइजेशन का था वो मुद्दा भी हमने उठाया है, और जो मेल SI का 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था कारण क्या था वो भी मुद्दा उठा है, और 1 शिफ्ट में 1 एग्ज़ाम होना चाहिए, और 1 शिफ्ट में 1 एग्ज़ाम, जैसे अगर रीट की भर्ती में 26 लाख की भर्ती है हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता। और प्यारे बच्चों दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर 1 शिफ्ट में 1 एग्ज़ाम वो नहीं लेते तो नॉर्मलाइजेशन है ना प्रॉपर एडवर्टीजमेंट में मेंशन होनी चाहिए, और नॉर्मलाइजेशन का जो HSC फार्मूला बताती है कि जो SSC पहले से बता देती है कि इस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा, 65 वाली लड़की के जो लिस्ट में नाम नहीं आया 55 वाली लड़की का आ गया, तो वो प्रॉपर एक पहले से फिक्स होना चाहिए, और जब भी रिजल्ट आए ना तो जो